नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। S7 के खास कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। मैं आपको आज उन शख्स से मिलाना चाहता हूं, उन लोगों से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने एक परिपाटी की शुरुआत की और आज वो अपने शहर में कुछ अलग कर रहे हैं लगातार। मैं बात कर रहा हूं ओम शिव शक्ति मानव सेवा मंडल के सभी पदाधिकारियों की, जिन्होंने एक मुहिम चलाई। उस मुहिम का अगर देखा जाए तो जो तरीका था वो अपने आप में एकदम अलग था और 4-5 लोगों ने उस मुहिम की शुरुआत की। जी हाँ, ओम शिव शक्ति मानव सेवा मंडल के द्वारा लगातार 10 वर्षों से विशाल भंडारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। मैं आपको पहले थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। पहले इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो डिनर से हुई, क्योंकि मैं डिनर शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि आम बोलचाल भाषा में लोग रात के खाने में को अधिकतर डिनर ही समझते हैं। तो शुरुआत डिनर से की गई, उसके बाद फिर दोपहर का लंच भी हो गया और फिर सुबह का ब्रेकफास्ट भी हो गया। तो इनकी सोच ये थी कि हमने गरीबों को खाना खिलाना है, हमने उनकी मदद करनी है और उनके साथ में कदम से कदम मिला के चलना भी है। और वो शुरुआत इस बड़ी मुहिम में हो गई। मतलब आप समझिए कि एक ऐसा संसार बन गया कि अब लोग जुड़ते चले गए। इसमें रायबरेली के लोगों का भी सहयोग मिल रहा है और ओम शिव शक्ति मानव मंडल सेवा मंडल के समस्त पदाधिकारी, जिले में बहुत बड़ा संगठन जो चल रहा है उसके समस्त पदाधिकारी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे साथ में इस समय 3 शख्सियत हैं। अगर देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह इन लोगों ने जिस तरह से काम किया है वो अपने आप में कुछ अलग दिखाई पड़ता है। इन्होंने शुरुआत जिस तरह से की उनसे हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ में राजेंद्र अवस्थी जी जो कि मंडल के अध्यक्ष हैं, महेंद्र अग्रवाल जी संरक्षक हैं और जगदीश चैनाली जो कि कोषाध्यक्ष हैं। तीनों हमारे साथ में हमारे लाइव स्टूडियो पर मौजूद हैं जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों लोगों का हमारे इस खास कार्यक्रम संवाद में। सबसे पहले मेरा ये सवाल है आपसे कि मैं समझना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत कैसे की गई और मन में क्या विचार आया कि इस तरह से कार्यक्रम किए जाए। जबकि अगर आप देखिए तो आजकल आदमी अपने अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी रहता है, वो सोचता भी नहीं किसी दूसरे के बारे में। तो इस मुहिम की शुरुआत कैसे की गई, सबसे पहले अध्यक्ष जी आप बताइए। हम लोगों ने 2004 में एक ओम शिव शक्ति मानव सेवा मंडल का जब गठन हुआ और उस वक्त अमरनाथ यात्रा हम लोग जाते थे हर साल, काफी एक बड़े समूह में जाते थे। तो वहां पर अमरनाथ यात्रा में हम लोगों को इतनी अच्छी सेवा भाव लंगरों की दिखती थी, तो वो ऐसे यात्रियों की इतनी अच्छी सेवा करते थे जो बेचारे भूखे प्यासे यात्री जब किसी अमरनाथ यात्रा में जब वो पहलगाम से पिस्तूटाप या अन्य पड़ाव को पहुंचते थे तो बिल्कुल बेहाल हो जाते थे। वहां के जो सेवादार होते थे वो उन लोगों को तुरंत पूरी व्यवस्था देते थे, उनको गर्म पानी देते थे और उनको सेवा करते थे। तो इतना अपनापन देते थे कि जो हम अरे घर परिवार वालों से भी मिलना एक थोड़ा सा पॉसिबल नहीं दिखता है। तो वो एक सेवा भावना आया और हम लोग जब वहां से लौटे तो यही मन में आया कि सब हमारे संगठन में श्री जगदीश जनानी जी, महेंद्र अग्रवाल जी, मान बहादुर सिंह जी हैं और गंगेश सरसिया जी, काफी लोग हैं। इन सबसे जब हम लोगों ने एक विचार किया कि क्यों ना ये व्यवस्था को जो वहाँ इतनी बड़ी अच्छी व्यवस्था हो रही हम लोग यहाँ कैसे कर सकते हैं। इस कड़ी में एक बस स्टॉप पे हम लोग प्रतिवर्ष भंडारा लगा शुरू किया गया था। पहले जो साल में एक बार भंडारा लगाते थे और 24 घंटे का वो लंगर होता था। तो वहाँ पर उस व्यवस्था को जो हम लोगों ने शुरू किया तो एक दिन का हम लोगों को एक अच्छा सा खासा अमाउंट खर्च हो जाता था 24 घंटे में और लोग घूम टहल कर वो जो भोजन लेते थे, प्रसाद लेते थे तो बहुत लोग इधर उधर छोड़ देते, वेस्ट करते थे। तो ये हमारे मंडल कोषाध्यक्ष श्री जगदीश चनानी जी का एक सुझाव हमारे पास आया। उन्होंने कहा हम सब एक दिन में इतना पैसा खर्च कर देते हैं अगर, और एक दिन गरीबों को भोजन कराने से कोई एक दिन किसी को भोजन करा दे बाकी के दिन अगर भूखे रहे तो ऐसी कुछ व्यवस्था सोच के व्यवस्था को किया जाए जिससे कि ये निरंतर लोगों को भोजन मिलता रहे। ऐसे गरीब जरूरतमंद बेसहारा लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा से किसी प्रकार से हट गए हैं, उनको अपने लिए रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उन सबकी हम भूख बने, उन सबकी हम एक ऐसी सहयोगी संगठन या आपका ओम शिव शक्ति मानव संगठन उनकी आवाज बने, उनके लिए कुछ करने के लिए प्रेरणादायक बने, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए अगर उनके लिए और कुछ भी हम लोग कर सके। तो इस कड़ी में फिर हम लोगों ने एक यहाँ पर प्याऊ का उद्घाटन हुआ था जिस संत श्री झूलेलाल जी का, उस प्याऊ के उद्घाटन के अवसर पर जगदीश चनानी जी ने कहा कि यहाँ पर एक आप घोषणा करिए कि वहाँ एक जो कि प्याऊ बना और स्लोगन है हम लोगों का जय बाबा वाना दुखानी भूखे को पानी,
उस स्लोगन को पूरा कर तभी हो पाएगा जब प्याऊ की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था हमारे संत समाज ने कर दी थी, और जब हम भोजन की व्यवस्था ओम श्री शक्ति मानव समुदाय अपने मजबूत कंधों पे ले ली। आपका आश्वासन मिला, हम सबने वहां पर इस बात की घोषणा की और वहीं से एक बैठक हुई और कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हम लोग तत्कालीन उस समय के नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी और हमारे साथ हमारे संगठन के जो उपाध्यक्ष श्री प्रशांत द्विवेदी जी, महेंद्र अग्रवाल जी, जगदीश शरामी जी और मान बहादुर सिंह जी, साथ में सुखुलाल चलमानी जी संरक्षक हैं, एक डेलीगेट जो जाकर उनसे मिला जाकर के, और उन्होंने रिक्वेस्ट की अगर ये सुपरमार्केट जैसे जगह पर एक छोटी सी जगह जो प्याऊ के बगल में हमारे संगठन को दे दिया जाए तो हम ऐसे गरीब लोगों को भोजन प्रतिदिन यहाँ पर करना चाहते हैं। साहस उन्होंने स्वीकार करते हुए और हमारे माननीय जो उपाध्यक्ष जी थे प्रशांत द्विवेदी जी, इन सब के बहुत अथक प्रयास से उस कार्य को शुभारंभ किया गया और वो एक ऐसा मील का पत्थर साबित हुआ जो कहते कि हम लोग एक मैं तो अकेला चलाया था, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, ऐसी कड़ी बनती गई और रायबरेली जिले का पूरा समाज, सर्व समाज, मतलब समाज का सर्व समाज जुड़ गया इस मुहिम से कि हम सबकी और पूरे मंडल की एक सोच थी कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो सके रायबरेली में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रायबरेली में कोई व्यक्ति भूखा ना सो सके, इस मुहिम को आप सब के जुड़ने से संरक्षक जी ने, उसको हमारे महेंद्र अग्रवाल जी ने, जगदीश सेनानी जी ने अथक प्रयास किया और कोशिश की गई कि पूरी तरीके से लोगों को जोड़ा जाए इस मुहिम से और ऐसे लोगों को भोजन दिया जाए। आज वहां पर आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग भोजन करने आ रहे हैं वो अपना परिवार मानते हैं, अपना घर मानते हैं और इतने प्यार से, इतने हक से आकर के भोजन लेते हैं, खाते हैं, इतना स्नेह दिखाते हैं कि वो कहते हैं ये हमारा, हम गरीबों का, हम लोगों का ये लंगर है, हम लोगों का भंडारा चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, मेरे साथ में जगदीश सेनानी जी भी है, महेंद्र अग्रवाल जी भी है। मैं जानना चाहता हूँ जगदीश जी आपसे कि जिस तरह से इसकी शुरुआत की गई और आज इतना बड़ा कारवा बनता चला गया और जिस तरह से लोग आपके साथ में जुड़ते गए, कैसा लगता है आपको ये सब करके? आज 10वें साल में ये भंडारा प्रवेश हो चुका है और इसमें सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हर महीने इसमें सेवा देते हैं और कुछ अपना बर्थडे मनाते हैं इसमें, कुछ अपनी पुण्य तिथि मनाते हैं और उसका फायदा सीधे सीधे गरीबों को मिलता है। इसमें लिखा हुआ है गरीब असहाय विकलांग के लिए और इसमें और कोई भी हाथ नहीं बढ़ाता, जो भी खाता है वो सही आदमी को प्रसाद मिलता है। और इसमें ये जरूर है कि 10-5 आदमी गलत आ जाते हैं जिसके लिए लोग जो है कभी कभी कहते हैं कि ये आप निठल्लों को कुछ खाना खिला रहे हैं, लेकिन अगर 200 में से 10 निठल्ले आ गए और 190 अच्छे लोग आ गए तो इसका पुण्य पूरी रायबरेली को मिलता है और पूरी रायबरेली इसीलिए ये भंडारा भंडारे की नगरी जानी जाती है। पहले एक दिन में बहुत पैसे खर्चा होते थे तो हम लोगों ने सुझाव सबने संस्था में आया कि क्यों ना केवल गरीबों के लिए जब किया जाता है तो केवल गरीब ही खाएं, हम खुद भंडारा लगा के, वो साल में एक जरूरी है जो बड़े बड़े महापुरुषों का, बजरंगबली का, भोले बाबा का एक साल में भंडारा होता है, साथ में अगर रोज गरीब खाएंगे कितना अच्छा रहेगा। और यही वजह से आज वो सक्सेस है और इतना अच्छा चला। कोरोना काल में भी इसका जो है पूरा पैकेट बांटे गए और संस्था ने के सारे लोगों ने, गंगेश चौरसिया, राजू अग्रवाल, दिलीप बादवानी और जितने भी लोग संस्था के हैं सब ने तन मन धन से इसमें सहयोग किया और इसीलिए 10 साल से ये चल रहा है और ईश्वर चाहेगा तो ये सदियों तक चलता रहेगा। बिल्कुल 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 चलेगा, आपका प्रयास भी जारी रहेगा। मेरे साथ में महेंद्र अग्रवाल जी भी जुड़े हैं जिनसे मैं, महेंद्र जी मैं जानना चाहता हूँ आपसे क्या लगता है आपको जिस तरह से इस मुहिम की शुरुआत की गई और आज इतना बड़ा वृक्ष एक तरह से तैयार हो गया है। आपने छोटा सा एक कोई पौधा लगाया और आज इतना बड़ा हो गया जिसकी छांव सब कोई ले रहा है, कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है आपको, बताइए। जय बोले। सबसे पहले तो मैं S7 के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जी, धन्यवाद, जो हमारी संस्था को यहाँ बुला करके आपने प्लेटफॉर्म दिया। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें भोले की कृपा बरसती दिखाई देती है। ये पहला अजूबा है, इसको हम ये कहेंगे ये कोई मनुष्य नहीं चला रहा, इसको इंसान के चलाने की बात नहीं है। ये भोले बाबा ने अपने गण का सेवादार कहां कहां से भेज दिए और वो सब सेवादार मिल करके
चाहे पानी जितना भयंकर बरस रहा हो, चाहे धूप हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, कोई त्योहार हो, डेली लगातार ये भंडारा बढ़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस भंडारे के अंदर कोई सामान हमारा बचता नहीं है, जितना बन के आता है बाबा भोलेनाथ उतने ही भक्तों को भेज देते हैं और सारा सामान वहां बढ़ जाता है। अक्सर हम देखते हैं और जगह भंडारा बनता है तो कभी पानी बरस गया तो सामान बचा हुआ है, कभी स्टेशन ले जाओ, कभी बस अड्डे जाओ, कहीं और बांटो। लेकिन इस भंडारे में खास बात है कि भोले बाबा का आशीर्वाद है कि जितना भी सामान बनाया चाहे घंटा घंटा टाइम एक्स्ट्रा लगे लेकिन वही बढ़ता है। उसके अलावा मैं बताऊं प्रशांत जी आपको, सबसे बड़ी बात क्या है, रायबरेली जिले को एक प्लेटफार्म मिल गया। अभी तक किसी पास एक प्लेटफार्म नहीं था कि किसी को अगर अपने पुण्यतिथि मनानी है, जन्मदिन, जैसे हमारे कौशलदेव जी ने बताया, अब्दुल जी ने बताया, तो ये इतनी बड़ी खुशी है कि इसको सबको बयान करना मुश्किल है। कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया कि जिसको मात्र थोड़ी सी सेवा दे करके आदमी अपने हाथ से आता है, भोग लगाता है, गाय के लिए निकलता है, उसके बाद जो है बड़े मन से जो है लोग उसको ग्रहण करते हैं प्रसाद रूप में, और उसके बाद भी जो है रिक्शे वाले जो हमारे हैं मेन सेवादार, बिना कुछ लिए वो बिचारों की सेवा बिल्कुल देखने लायक होती है। वो भी दौड़ दौड़ के सामान लाना, ये करना, वो करना, बहुत ही बिल्कुल अलग नजारा देखने को मिलता है। आजकल किसी को बुलाइए आप, किसी के पास समय नहीं है, वो समय से पहुंच जाते हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, घड़ी की सुई को देखते हुए जो टाइम संस्था ने निश्चित कर दिया उसी टाइम सारे लोग एक ही प्लेटफॉर्म में पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, अभी बिल्कुल। जो हमारे कौशल जी ने बताया कि 10 आदमी या 5 आदमी वैसे आते, मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ, लेकिन ये सोचना चाहिए अगर इतने कमरों के अंदर एक हंस भी आके खा गया तो भंडारा देना हमारा सफल हो गया। नहीं नहीं बिल्कुल, हम लोग जो उन्हीं के लिए कर रहे हैं तो ये आप सबका आशीर्वाद और सबका वो ही है। और सबसे बड़ी बात एक बता दी, सर्दी आती है, कोई मौसम आता है, क्योंकि लोगों में प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, कभी कम्बल बांटना, कभी कपड़े बांटना, कभी कोई कार्य करना, रोज कोई ना कोई कार्य होता रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महन जी, मैं बिल्कुल मैं इस बात को समझ रहा हूँ। जिस तरह से एक अगर देखा जाए, एक आपने जो शुरुआत की, एक जो वृक्ष लगाया उसकी छांव में सब लोग हैं, और जिस तरह से वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, मैं भी देखता हूँ, जाहिर सी बात है जिस तरह से वहाँ पे आप लोग लगन के साथ में लगे रहते हैं, एक मुहिम जो आप लोगों ने शुरुआत की जिसकी, उसको आपने कभी ब्रेक नहीं लगाया, उस पर कभी आपने रोका नहीं, आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो या ठंडी हो, भयंकर जाड़े में भी आप उस सेवा को करते हैं। तो जाहिर सी बात है जिस लगन और जिस भाव से आप इस काम को कर रहे हैं, पूरी टीम काबिले तारीफ काम कर रही है, और बहुत बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएं जो लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं एक बात समझना चाहता हूं आप लोगों से, जिस तरह से अगर देखा जाए कोरोना काल जिस तरह से चल रहा है, एकदम से 3 महीने का लॉकडाउन हो गया, भारत तैयार नहीं था एकदम इस अगर देखा जाए इस कोरोना वायरस के नाम के किसी भी चीज से भारत तैयार नहीं था। जिस तरह से ये लॉकडाउन किया गया, और जाहिर सी बात है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पास भी रही होंगी, बहुत सारी दिक्कतें रही होंगी, कैसे देखते हैं आपने, आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए लॉकडाउन के अंदर? जो है पहले तो हम लोग थोड़ा सा डरे जी, कैसे घर से निकलेंगे, घर वाले भी मना करते रहे, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी, हमारे कोषाध्यक्ष जी, और जब ये लोग निकल आए तो पीछे पीछे हम भी चल दिए। और ये समझिए लॉकडाउन के अंदर जब ये कार्य किया गया तो मालूम नहीं बाबा भोलेनाथ ने कौन सी शक्ति ऐसी दे दी कि मोटरसाइकिल पे सड़क पे एक आदमी भी टहल रहा, उस टाइम मोटरसाइकिल एक एक घर में जाकर के प्रसाद वो भी भंडारा भी दे रहे हैं, उसके अलावा फल भी अपने पास से ले आ रहे हैं। एक नशा सा हो गया था कि मतलब इतना नशा कि प्रभु ने हमको मौका दिया है, और बहुत ही अच्छा महसूस होता था उस टाइम। अध्यक्ष जी हमारे कई बजे सुबह ऐसे अध्यक्ष जी चाहे लेट आए, लेकिन उसके मतलब जी घड़ी देख करके 15 मिनट पहले आए थे। बिल्कुल व्यवस्था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हमारे कौशाध्यक्ष जी हैं, जी जी, समय से पहले आ जाना, जी जी, जी। वहाँ बंटवाना, उसके बाद मोटरसाइकिल लेके जाना, बिल्कुल सेवा सेवा, कोरोना में सेवा आप लोगों ने बहुत की। मैं अध्यक्ष जी आपसे समझना चाहता हूँ कि किस तरह से आपने वहाँ पे, जिस तरह से अगर देखा जाए तो लॉकडाउन हुआ 3 महीने का, आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए, उसके बाद जगदीश जी भी इस बारे में बोलिएगा, संक्षेप में अपनी अपनी बातों को रखिए आप बताइए। लॉकडाउन के समय जैसे लॉकडाउन जारी हुआ तो हम सब लोगों को पहले एक मन में विचार आया कि अब हम भंडारे को जो इतने साल से निरंतर हमारी सेवा चल रही है वो कैसे सुचारू रूप से चल सकेगी जी। दूसरी चीज ये थी कि जो 150-200 गरीब लोग बेचारे जिनको जो ऐसे विकलांग है शरीर से, शरीर से जो नहीं सक्षम है, और बुजुर्ग लोग हैं, उनको भोजन कैसे प्राप्त हुआ, ये मतलब हम लोगों के लिए बड़ी अनकंफर्टेबल स्थिति।
तो इसमें हमने सिटी मजिस्ट्रेट माननीय महोदय जी से, सिटी मजिस्ट्रेट से हमने वार्ता किया और उन्होंने हमको परमिट किया और बहुत अच्छा सहयोग किया उन्होंने उस वक्त, जिसमें हम लोग ये व्यवस्था को बिना क्रम टूटे हुए आगे जारी रख सके। और साथ ही साथ उस समय ये देखा गया एकदम से, चूंकि लॉकडाउन हो गया था तो मजदूरों के, ऐसे लोगों के यहाँ पर सारा काम रुक गया था, जो दिहाड़ी मजदूर है, डेली वर्क करने वाले, उनकी सबकी रोजी रोटी रुक गई थी। तो इन सबको भोजन कैसे पहुंचाया जाए, साथ में बहुत से ऐसे दूसरे प्रांतों से मजदूर रहते जो रास्ते में कहीं फंसे हुए थे, कहीं सरकार, अब इन सबके लिए चैलेंजिंग वर्क था कि इनको भोजन कैसे पहुंचाए। लेकिन ये चैलेंज हमारे जो संगठन के जितने भी सेवादार थे, श्री गंगेश चौरसिया जी हैं, श्री महेंद्र अग्रवाल जी हैं, श्री जगदीश शरानी जी हैं, मान बहादुर सिंह जी, और राजू अग्रवाल जी, दिलीप बाधवानी जी हैं, और श्री दीपक भाई जी हैं, और प्रशांत द्विवेदी जी, ऐसे सभी लोगों ने मिल करके उस वक्त मुझे बहुत अच्छा कॉपरेट दिया। और हम सब लोगों ने जहाँ कहीं से फोन आ जाता था कि यहाँ पर बस्ती जी, ये इतने लोग यहाँ पर भूखे लोग बैठे हुए हैं या यहाँ पे फंसे हुए हैं, ये कहीं जा नहीं सकते, वहां तो उनको बोला था आप वहीं पर रुके, आपको भोजन की व्यवस्था, हम लोग लंच पैकेट बनाते थे और लंच पैकेट बना करके वहां पर हम लोग उनको जाकर के भोजन उनको दे करके आते थे। और ये क्रम प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों वक्त चलता था। बहुत बढ़िया जी जी जी। ये कि उनको भोजन की व्यवस्था, जब तक आप यहाँ पे रुके हुए हो, यहाँ पर आप स्थान मत बदलिए, यहीं पे रहिए, आपको भोजन यहाँ पर ओम शक्ति मानव सेवा मंडल के द्वारा आपको भोजन उपलब्ध कराया जाता रहेगा। जी, मैं एक बात ये भी समझना चाहता हूँ कि कोरोना जिस तरह से फैला है, एक ऐसा वायरस है जिसकी अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी, जाहिर सी बात है कि सावधानी रखने की जरूरत है। और मंडल इस तरह से कार्यक्रम जो आयोजित कर रहा था, उसने उसमें कोई ब्रेक नहीं दिया। आपने बताया कि हमने घर घर पे खाना पहुंचाने का काम किया, हमने घर घर पे जो आवश्यक चीजें थी, अगर एक जीवन को चलाने के लिए जो आवश्यक चीजें थी उसको आप वहां पे लेके जाते थे, किसी ना किसी तरीके से आप लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन मुझे ये समझाइए कि जिस तरह से कोरोना वायरस फैला, उसको देखते क्या क्या सावधानियां आपने बरती कि आपको भी कोई समस्या ना हो और जो सामने उसको भी कोई समस्या ना हो, इसको लेकर क्या किया आपने? हम लोगों ने मास्क, दिल्ली से उस समय मास्क मिल नहीं गए थे, दिल्ली से 500 मास्क मंगाए गए, लोगों को मास्क वितरण किया गया, सबको सावधानी के साथ जो एक सिस्टम में आकर के जो गाइडलाइन थी का पालन कराया गया जी, जी, और सबको मास्क वितरण किए गए, जो सैनिटाइज रखा गया, साथ में जो सेवादार थे उनको ग्लास अवेलेबल कराए गए, पीपी किट भी हम लोगों ने मंगाई थी। तो वो सारी व्यवस्थाओं को जो सुरक्षा मानकों को पूरा ध्यान में रखते हुए और क्रमबद्ध लोगों को लाइन से लगा के भोजन भी पहुंचाया गया, और जो मतलब तो यहाँ पर जो भंडारे में भी दिया गया, साथ में जो दूर दराज इलाकों में जहां से ही फोन आते थे या जहां कोई ऐसे पीड़ित व्यक्ति दिखाई पड़ते थे जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, उनको भोजन ही पहुंचाया जाता था। अभी बताएं आप श्री प्रशांत जी, जब लॉकडाउन के समय प्रवासी मजदूर जब सड़कों में बहुत बड़ी संख्या में निकले जी, जी। तो काफी जगहों पे देखा गया उनके लिए पैदल चल रहे बेचारे भूखे प्यासे, कहीं उनकी भोजन की व्यवस्था नहीं। उस वक्त ओम श्री शक्ति मानव सेवा मंडल ने अपनी परवाह न करते हुए वहां के सेवादारों ने अपनी सुरक्षा को ध्यान रखा जरूर, लेकिन इस बात को न डरते हुए उन लोगों तक जाकर भोजन पहुंचाया और उनको भोजन पानी संरक्षक जी ने हमारे केला फल वितरण करवाया, ऐसे तमाम चीजों का वहां पर उन लोगों को व्यवस्था दी गई कि जो हम लोग मानवता के नाते कि ये बेचारे जो पैदल जा रहे हैं इनको भोजन मिल जाए और ये अपने गंतव्य तक किसी तरह पहुंच जाए। जगदीश जी ने वहां तक कार्य किया। बहुत बढ़िया जगदीश जी, मैं ये बात आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से अगर आप देखें, आप लोग व्यापारी भी हैं, अपने व्यापार को भी चलाते हैं, और इतनी बड़ी समस्या जब सामने आ गई और एक संगठन भी चला रहे थे जिसमें अनवरत भंडारे का आयोजन किया जा रहा था, उसमें कोई ब्रेक नहीं लगाना था, क्या क्या समस्याएं आईं और उसको आपने दरकिनार करके कैसे फिर से ये सब आयोजित किया और लगातार जारी रखा? एक तो प्रशांत जी ये बताएं कि हम जो है जैसे कोरोना लगा तो हम लोग फ्री हो गए, दो चार दिन घर में बैठने में बहुत सालों से अच्छा लग रहा था, फिर लेकिन हम लोगों का दिल लगा था भंडारे पे, इतने सालों से चल रहा था तो हम लोग सुबह शाम वही भंडारे जाते थे, अपना बाकी समय अपने बच्चों के साथ बिताते थे तो दिन कट जाता था। लेकिन हमारे घर वाले इतने डरे हुए थे, पूरे देश के घर वाले इतने डरे हुए थे कि जब हम लोग घर में घुसते थे तो हम लोगों को दूर से देखते थे, तो हम लोग पहले सारे कपड़े अपने सैनिटाइज करके नहा के शैम्पू करके तब अपने कमरे में जाते थे, और लेकिन ये जो सेवा थी वो नहीं छोड़ी और ईश्वर ने हम लोगों को स्वस्थ रखा, ये उन्हीं कृपा है, क्योंकि जो प्रशांत जी करता कोई नहीं करता, करता भगवान है, हमसे वो करवा रहा, हम लोगों से हम लोगों को माध्यम बनाया है,
और ईश्वर इसीलिए जो है दिक्कतें तो बहुत आई, जैसे फाइनेंस की प्रॉब्लम आई, वो आई, धीरे धीरे संस्था ने अपने पुराना फंड निकाला और एक फंड हम लोगों ने एक अलग रखा हुआ है, एक हम लोग शमशान ग्रह के लिए, शमशान के लिए जो एक बस की व्यवस्था करनी है उसके लिए कुछ पैसे जोड़े हैं हम लोगों ने, उसको भी खर्च करना पड़ा, लग रहा था कि थोड़ा और जोड़ेंगे तो आ जाएगी, लेकिन मतलब बस लाने के बारे में आपने सोचा, शव यात्रा के लिए एक संस्था की तरफ से बस आने की, बहुत बढ़िया, वो अभी हम लोगों ने अनाउंस नहीं किया था लेकिन उसके लिए फंड बना रहे थे, ईश्वर अब जब उनकी इच्छा होगी तभी होगा, और बहुत ही सारा चलता रहे बस, ये सबसे बढ़िया, बहुत ही सार्थक प्रयास है आप लोगों का, और मैं देख रहा हूँ भंडारे के साथ साथ में अन्य भी बहुत सारे आप प्रयास कर रहे हैं जिससे आम जनमानस को काफी सुविधा हो सके। अगर देखा जाए तो जिस तरह से उसको जो समस्याएं होती उसके निदान के लिए पूरा जो मंडल है वो प्रयास कर रहा है। महन जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि देखिए लगातार जिस तरह से अभी भी कोरोना वायरस है भारत में और इसकी अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, इतनी सारी समस्याएं हुई, हालांकि अब आदमी धीरे धीरे जागरूक भी हो रहा है, क्या कहेंगे आप किस तरह से इस भंडारे की मुहिम को आगे रखा? प्रशांत जी, सबसे अच्छी चीज क्या है जी, हमारे मंडल ने एक चीज तो ये बहुत अच्छी की कि जो कोई मास्क लगा के नहीं आएगा उसको भोजन नहीं देंगे, तो सबसे पहले जितने भी लोग वहाँ पे आते थे अपने पास से हम लोग ने मास्क मंगाए और उन लोग को मास्क दे दिया, एक बार दो बार जैसे कोई नहीं लगा गया तो पहले उसको मना किया फिर उसको मास्क दिया कि मास्क पहन के ही आएंगे। दूसरी बात क्या, जितने हमारे सेवादार थे उन्होंने बड़ी दूरी मतलब थोड़ी दूरी बना ली, हाथ टच ना करो और दूर से सामान रख दो, वहां से वो लोग ले ले। हमारा उद्देश्य उनको भोजन करवाना है, अपनी सुरक्षा भी करनी है, तो सामान पैकेट बनवा के अब्दुल जी ये जो कुशलदेव जी वहां रखवा देते थे हम लोग, और वो अपने एक एक जने आते थे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो अपना पैकेट उठाते थे और वहां पे ना खा के अपना ले आते थे और दूसरे खाते थे जिससे वहां भीड़ भाड़ भी ना। उसके बाद जब लोग घर जाते थे तो घर वालों को डर तो लगता ही था, तो उसमें जो है काढ़ा हो गया, गर्म पानी का सेवन हो गया और फिर घर में आराम करते थे 3-4-5 घंटे, ये नहीं कि तुरंत घर में दूसरे काम में निकल आए, क्योंकि हम लोग कोई सेवा रोज करनी है तो बाबा भोले से प्रार्थना करते बाबा अपने भक्तों की जो सेवा मुझसे लेनी है तो हम लोग को भी स्वस्थ बनाओगे तभी हम लोग सेवा कर पाएंगे, अगर स्वस्थ नहीं सेवा कैसे कर पाएंगे। लेकिन एक जनून था वो इंसान नहीं कर सकता, अब हमसे ऐसे कह दो वो बाबा का एक जनून था, बाबा ने शरीर से सेवा लेनी है तो बाबा इस शरीर से जब सेवा ले रहा है तो बाबा ने हम लोग को स्वस्थ रखा और सब बहुत अच्छी तरीके से भेजा। चलिए बहुत बहुत आप लोगों को बधाई शुभकामनाएं, हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं, S7 की पूरी टीम आपको सलाम करती है, जिस तरह से आप लगातार सेवा भाव कर रहे हैं, आप लोग जिस तरह से इस मुहिम में लगे हो, गरीबों को खाना खिला रहे हैं और भी कई सारे समाज सेवा के काम आप कर रहे हैं, चाहे बेसहारा लड़कियों की शादी कराने को हो, विवाह कराने को या गरीबों को कंबल वितरण का कार्यक्रम हो, जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं काबिले तारीफ है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरह ईश्वर आपको आगे बढ़ाए और समाज सेवा के क्षेत्र में आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी सेवा चैनल की पूरी टीम को हम लोग हमारे पूरे मंडल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद कि जिसने हम लोग को यहाँ बुला करके कम से कम विषय में आपने जानकारी हासिल की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथी जो है हम लोग के साथ सहयोग करता है जी, जो सहयोग में जुड़े हुए हैं इस मुहिम को चलाए रखने के लिए, रायबरेली समाज के जो पूरे यहाँ पे वरिष्ठ जन है रायबरेली जिले के सभी लोगों को जो इस भंडारे की मुहिम को चलाए रखने में सहयोग करते हैं, उन सभी आपको सहयोगकर्ताओं को भी हम लोग आपके चैनल के माध्यम से सबको सहयोग धन्यवाद देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अंदर हम लोग जी 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 बहुत बढ़िया, और मैं भी आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से समाज सेवा करते रहें और गरीबों का कल्याण करते रहें, जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है उसके बारे में आप जागरूक भी करते रहें लोगों को कि किस तरह से उनको बचाव करना है। मैं आपसे अपील करता हूं कि बाजारों में कम जाइए, मास्क लगाइए, कोरोना वायरस की अभी कोई दवा नहीं बनी है, इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और समाज का भी ध्यान रखिए। S7 के संवाद कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात, नमस्कार।